हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है आज के मेरे क्लास में। और आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोग को लगा होगा कितने लंबे समय के बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक है, स्वाभाविक रूप से आपका शिकायत लाजमी भी है। बहुत लंबे समय तक मैंने न्यूमेरिकल्स बनाया नहीं। एक्चुअल में एग्ज़ाम का सब सिस्टम अभी इतना गड़बड़ हुआ बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा कि वो फिर न्यूमेरिकल के तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। खैर, अब आगे एग्ज़ाम के डेट शेड्यूल भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन न्यूमेरिकल्स अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट था, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट थर्ड, दो पार्ट मैंने आपको कराया था। इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें नियर अबाउट 40 के आसपास न्यूमेरिकल हैं। दो पार्ट के आपने न्यूमेरिकल्स देख लिया है। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो ग्राफ पर बेस्ड होते हैं, जिनका कैलकुलेशन काम का नहीं, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स या जो थियोरिटिकल बेस्ड होते हैं, वो मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देता हूँ, उनको नहीं बताता हूँ, उनका ज़रूरत भी नहीं है। और कम्प्लीटली हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आपको पता है एक राउंड या एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करा दूँ। मेरा लेक्चर बाइलिंगुअल है, आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस मैं अपने हिसाब से आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अभी मेरा पूरा क्लास ओनली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। तो देखिए, थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखो ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन में 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर, आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रिज्म पर है और ज़्यादातर क्वेश्चन मानव नेत्र पर है। मानव नेत्र से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, आँख से संबंधित वो न्यूमेरिकल्स, हालांकि ह्यूमन आई बहुत दिनों से कोर्स से हट गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बहुत से क्वेश्चन उसके कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड हैं, तो वो आपको उसको करना है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करना है। कल के लिए आपको नीट और आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देना है, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। 60 डिग्री का अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश को किसी कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो, मतलब कितने एंगल से हम उसको इंसिडेंट कराएं कि दूसरे फलक से उसका सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि बहुत से न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जहाँ पर साइन का, कास का, टेन का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आपको पता नहीं होता। जैसे हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू, लेकिन कहीं पर 43 डिग्री आ जाए, तो वहाँ पर आपको वैल्यू सिर्फ दो तरीके से पता चल सकता है। एक तो आपके पास साइन टेबल होना चाहिए, या तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, और दोनों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलाउ नहीं है। तो आप सोचोगे सर, इस तरह के न्यूमेरिकल्स का क्या पर्पज़ है? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हम खासकर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करते कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स इसलिए करते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये आपको समझना है। तो आपका उद्देश्य थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप कैलकुलेशन से ज़्यादा कि उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे हुआ, इससे ज़्यादा आप इस बात को समझने का कोशिश करोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। दो अलग अलग मैटर है। एक मैटर है सिर्फ उस प्रश्न को बना लेना कि भाई मेरे से ये 21-22 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, मैं उसको तैयार किया हूँ, और दूसरा कि उस टाइप के क्वेश्चन को पूरा क्लियर करना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कल के लिए आपका कॉम्पिटिटिव में आएगा, तो एंगल्स इस तरह से देगा आपको जो नोन हो, जिसमें आपको साइन टेबल का या साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत ना पड़े, ऐसा एंगल देगा, या इन्वर्स के फॉर्म में दे देगा, टेन इन्वर्स 1/3, साइन इन्वर्स 1/3। तो इस ढंग से बनाना है। ये मैं आपको बनाने से पहले इसलिए डिस्कस कर लिया कि बहुत बार स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर इसको कैसे बनाएं, इसका 47 डिग्री का मैं वैल्यू कैसे जानूं, तो स्वाभाविक है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, इंग्लिश मीडियम में इसका स्टेटमेंट है, एट व्हाट एंगल शुड बी रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप समझ गए हैं क्वेश्चन को कि कितने डिग्री से हम उसको इंसिडेंट करें कि वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो।
तो देखिए सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेते हैं, ठीक है। ये सपोज हमने एक प्रिज्म बना लिया, एक मिनट इसको मैं दूसरे ढंग से बनाता हूं। ये प्रिज्म है सपोज, और प्रिज्म में हम एक रे थोड़ा तिरछा हो जाए प्रिज्म चलेगा, उसके लिए आप ध्यान मत देना। इसके बाद हम इसमें एक रे इंसिडेंट करते हैं। ये सपोज हमने एक रे इंसिडेंट कराया, इसके बाद उसको क्या किया, रिफ्रैक्ट कराया इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो नॉर्मल ड्रा करता हूँ, देखो। एक नॉर्मल ये ड्रा किया, और दूसरा फिगर प्रॉपर बना दूं तभी मतलब है ना। ये दोनों क्या है, अभिलंब है। ये दो अभिलंब हमने खींचा। अब यहाँ पर देखो, आपतित किरण इंसिडेंट रे और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये है सपोज आई, ये आई एंगल है, या इसको हम आई वन कह देते हैं, क्लियर। ये आई ही सपोज कर लें। नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर कंडीशन क्वेश्चन में क्या बताया है कि वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए, वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना जाना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब ये क्रांति कोण के बराबर होगा, जब ये आई सी होगा। हमको मालूम है कि आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण के बराबर या क्रांति कोण से अधिक हो, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तब वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर हम लाइट का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देते हैं, देखिए। ये यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और ये इस डायरेक्शन में चला आया, इस डायरेक्शन में। फिगर आ गया समझ में आपको। ए बी सी सपोज एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझो, यहाँ पर आई एंगल इंसिडेंट किया गया, ये आर एंगल है, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल है, ताकि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो लाइट के जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब फिगर पर बेस्ड हैं, इसलिए फिगर को ध्यान से समझना जरूरी है। अब देखो जो क्रिटिकल एंगल के कंडीशन में क्या होता है, साइन आई सी इक्वल टू, यहाँ पर आपको गिवन लिखना है तो आप गिवन लिख सकते हो। देखो मैं गिवन भी लिख दूँ यहाँ पर, ताकि आपको प्रॉब्लम मत हो क्वेश्चन को समझने में। इस साइड में मैं गिवन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रिज्म एंगल दिया है ए इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि यहाँ पर होता है, ये 60 डिग्री है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मी इक्वल टू 1.524, ये दिया हुआ है, और फाइंड करने बोला है क्या, आई का वैल्यू हमको फाइंड करने बोला है, ओके। तो क्रिटिकल एंगल के लिए हमारा कंडीशन होता है साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, ये फार्मूला होता है साइन आई सी। अब यहाँ से हम साइन आई सी का वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि अभी हमको यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पता नहीं। क्रांतिक कोण से अधिक होने पर,
क्रांति कोण से अधिक होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्रांति कोण के बराबर तक तो आर का वैल्यू 90 डिग्री होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो साइन आई सी इक्वल टू 1/μ और म्यू का वैल्यू अपने पास 1.524। कैलकुलेशन ही थोड़ा सा लेंदी लगता है इसका स्टूडेंट्स को, मुझे मालूम है, क्योंकि जैसे 1/1.524 अब इसको डिवाइड करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको एंगल में बताना है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके बता देता हूँ, 1 में 1.524 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.6561। ये साइन आई सी आएगा। अब क्या करते हैं, इसको साइन टेबल से देखना होता है हमको। साइन टेबल देखना तो क्लास में भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर सबके पास साइन टेबल वाला बुक और यहाँ पर मेरे पास चार्ट हो पाता है। कभी एकाध बार संभव सिखा दूंगा, अदरवाइज इसको बहुत जानने जरूरत नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काम में आएगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा तो बना पाओगे। अब 0.6561 एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स का ये दिक्कत है कि वैल्यू ऐसा, जैसे यहाँ पर मान लो ऐसा देता है इसको वैल्यू कि यहाँ पर 1/2 आ जाता है, मान लो यहाँ पर डिवाइड करने से 0.5 आ जाता, 0.5 माने 1/2, तो 1/2 को फिर अपन लिख लेते साइन 30 डिग्री आ जाता। तो ये बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है ये इतना उटपटांग देता है कि फिर उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको हम बता नहीं पाते। सपोज़ इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सेट करें कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1/2 आ जाए, 1/2 आए तो आप उसको 30 डिग्री लिख सकते हो, या कुछ ऐसा वैल्यू वहाँ पर ला दो कि 1/√2 आ जाए तो 45 लिख सकेंगे। तो उस तरह के वैल्यू में आप बना सकोगे, अदरवाइज यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा परेशान मत होना, यही बात मैं पहले आपको लेक्चर में बताया। तो आई सी इक्वल टू हम कितना डिग्री लिख सकते हैं, देखो इसके लिए साइन का वैल्यू होता है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना आता है तो इसको आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये 41 डिग्री का वैल्यू है, ये 41 डिग्री का वैल्यू है। फिलहाल आप इसको याद नहीं करोगे, इसको सिर्फ समझोगे कि निकालते कैसे हैं, आपको प्रोसेस से मतलब है, क्लियर। तो आई सी का वैल्यू निकल गया 41 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये जो आर है वो आई सी के इक्वल होता है, क्लियर। इस कंडीशन में ये जो आर है इसके इक्वल होता है, तो देयर फोर आई सी इक्वल टू आर, दैट इज आल्सो इक्वल टू 41 डिग्री। ये 41 डिग्री के इक्वल, क्योंकि हमने आर को अभी आई सी को 41 डिग्री निकाला है। अब आर प्लस आई सी इक्वल टू ए होता है, चूंकि R प्लस आई सी इक्वल टू प्रिज्म एंगल का इक्वल होता है। ये हमको मालूम है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसका जो मतलब R1 प्लस R2 एंगल A का इक्वल होता है, दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व कर लें तो R का वैल्यू यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है, R1 प्लस R2 फार्मूला ही लिख दूं मैं आपको पहले, एक्चुअल में R1 R2 लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चलिए कन्फ्यूज़न मत हो, मैं R1 R2 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको R1 लिख देता हूँ, और एक्चुअल में जो IC है ये R2 है, जो बेसिक फिगर होता है उसमें R2 है। तो ये जो IC अपन निकाले हैं एक्चुअल में वो किसके इक्वल है, ये जो आई सी निकाले हैं वो R2 के इक्वल है, वो R2 के इक्वल है, माने IC एंगल ही क्या है, R2 है। अब हमको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल A होता है, ये हमको पता है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम R1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, IC के इक्वल है, इसको लिख सकते हैं 41 डिग्री, और क्वेश्चन में एक और वैल्यू दिया है 60 डिग्री, दैट इम्प्लाइज यहाँ से R1 निकालें तो 60 माइनस 41 डिग्री, 60 में 41 को माइनस कर दें, ठीक है, कितना आ जाएगा 19 डिग्री, ये हो गया 19 डिग्री। तो R1 का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड हो जाएगा। अब अपने को पता है कि म्यू इक्वल टू साइन I1 अपन साइन R2 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन I1 अपन साइन R1, दैट इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1.524 इक्वल टू साइन I1, ये हमको फाइंड करना है I1 का वैल्यू, और R1 हमको पता है साइन R1, ये हमने R1 निकाला है 19 डिग्री। अब यहाँ पर नया प्रॉब्लम आपको 19 डिग्री का
वैल्यू जानना होगा, ये भी आप साइन टेबल से ही कर पाओगे। दैट इम्प्लाइज, यह क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं है। आप बोलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा सर कैसे कैसे है, कैसे जानेंगे। ओनली प्रोसेस को आप समझो, मेथड को समझो। तो 90 डिग्री इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1.524 इक्वल टू साइन 19 डिग्री होगा। दैट इम्प्लाइज साइन आई वन इक्वल टू 1.524 इंटू साइन 19 डिग्री का वैल्यू। साइन 19 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 19 0.3256। अब इसको कौन याद रख सकेगा, इसको याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, किसी के बस की बात नहीं इसको याद रखना। इसके दो ही रिसोर्स हमें बताया, या तो साइन टेबल या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो कुल मिलाकर आप मेथड को समझो, आपका पर्पस है कि ऐसा क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, और उसी के हिसाब से आपको सीखना है। ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में होते तो आपको मैं बताता कि इसका क्या प्रॉब्लम है। ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको समझा पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे से पूछ तो पाओगे नहीं सर कैसे करेंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से आप में से हर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि साइन 19 डिग्री सर आप तो लिख दिए, हम कहाँ से जानेंगे। स्वाभाविक ही आएगा ही, तो आप नहीं जान सकते। मैं बताया दो रिसोर्स है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि साइन 19, तो इतने सारे वैल्यू दे देगा साइन का, तो ऐसे ही पता चल जाएगा सॉल्यूशन उसका। तो या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल पाते हैं या तो साइन टेबल से। साइन टेबल होता तब भी आपको मैं समझा देता कि साइन 19 डिग्री। वैसे थोड़ा ओरल आप समझ सको तो आपके पास फिजिक्स का बुक के लास्ट में साइन टेबल, कास टेबल, टेन टेबल दिया होगा, तो उस टेबल में जाना, उसके बाद साइन लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पर जीरो लिखा होगा, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे लिखा होगा। तो उसको देखना कैसे है, 19 डिग्री में जाओगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। उल्टा कैसे देखते हैं कि इस डेसिमल के वैल्यू को देखोगे तो साइन 19 में आएगा वो, इस तरह से देखते हैं। या क्या है, आपको कोई टीचर या कहीं से आप समझे पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक मिनट पे समझा देता, लेकिन कैसे सबके पास वो बुक होना और उसके बाद फिर मैं बुक्स उसको बताता यहाँ से देखो करके, तो हो पाता। या एक आध दिन लाइव क्लास में ऐसा पॉसिबल हो, देखेंगे फ्यूचर में। फिलहाल आप उसको जानो ये। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देयर फॉर साइन, हमको खुद इस तरह से क्वेश्चन कराने में अजीब लगता है ना कि कैसे बताएं इसको। दोनों को मल्टीप्लाई करो 1.524, लाइट का बहुत सो न्यूमेरिकल ऐसी लेंदी है, 0.4962। अब देखो यहां पर उल्टा काम, अब आई वन का वैल्यू कैसे निकालते हैं यहां पर भी थोड़ा समझ लो। अब ये कितने डिग्री का वैल्यू आपको जानना है, अभी हमने देखा कि 19 डिग्री का वैल्यू ये कैसे है, अब ये कितने डिग्री का वैल्यू है ये आपको जानना है। तो वहाँ पर आप जब चार्ट में जाओगे तो 0.4 मिलेगा, 0.4 मिलेगा, फिर उसके सीध में आप जाओगे तो ये नंबर्स मिलेंगे 0.4962, मतलब जीरो में आप जाओगे तो 0.4, फिर उसके बाद टेबल में आगे बढ़ोगे तो एक टेबल ऐसा मिलेगा जहाँ पर 4962, फिर उसके क्रॉस को आप देखोगे 0.4962 के ऐसा क्रॉस को देखोगे तो ऊपर देखोगे तो डिग्री लिखा रहेगा टेबल में, तो वहाँ डिग्री देखोगे तो 29 डिग्री 75 मिनट इसका आंसर आता है, 29 डिग्री 75 मिनट ये इसका आंसर है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपके लिए बोरिंग है, मेरे को मालूम है। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन में यूज़ होता है, खासकर ऑप्टिक्स के, ऑप्टिक्स में ही प्रॉब्लम है, बाकी जगह नहीं, क्योंकि जितना साइन कास टेन आना है इसी में आना है। तो उसके लिए परेशान मत होना, ये जगह मैं हाईलाइट करता हूँ जहाँ जहाँ पर ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। एक साइन 19 का वैल्यू इस तरह से ये है, उसके बाद ये वैल्यू आया, ये आपको पता ही चलेगा 29 डिग्री 75 मिनट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि कितने डिग्री से हम रे को इंसिडेंट करें, किसी भी आपतित किरण को किसी प्रिज्म पर कितने कोण से आपतित करें कि दूसरे सरफेस में उसका अपवर्तन ना होके पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए इस डायरेक्शन में। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा। तो प्रोसेस आप समझ लो, सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल का, क्रांति कोण का फार्मूला लगाना है, यहाँ पर ये आई सी का वैल्यू निकालना है। अब आई सी आर टू के बराबर होगा क्योंकि आर वन होता है आर टू होता है, तो हमने आई सी को आर टू के बराबर कर दिया। अब चूंकि हम जानते हैं आर वन प्लस आर टू ए के बराबर होता है, ये होता ही है प्रिज्म की प्रॉपर्टी से, यहाँ से हमने आर वन निकाल लिया,
जब R1 निकाल लिया तो साइन I1 अपन साइन R1 से हमने I1 निकाल लिया ये, तो प्रोसेस क्लियर है। प्रॉब्लम है सिर्फ वैल्यूज के, तो आप वैल्यूज पर मत जाओ, आप वैल्यू पर मत जाओ, आप जाओ उसके प्रोसेस पर, क्योंकि कल के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये जो डिग्री है ये नोन, जैसे साइन 19 डिग्री आया, पता चला वहाँ पर साइन 19 की जगह साइन 30 डिग्री आ गया, तो वहाँ पर हम वैल्यू वन अपॉन पुट कर, अभी इस क्वेश्चन को मैं डेटा को चेंज करूँ तो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मुझे इस क्वेश्चन को बनाना हो तो मैं इसके डेटा को अभी एक मिनट में चेंज कर देता हूँ, लेकिन अब चूंकि मुझे एनसीईआरटी के ही करा रहा हूँ तो उस डेटा को लेकर काम कर रहा हूँ, नहीं तो अभी यहाँ पर बदल दें। मान लो यहाँ पर जैसे 41 डिग्री आया है तो मैं ऐसा वैल्यू पुटअप कर दूँ कि यहाँ 30 डिग्री आए, मान लो सर मैं 30 डिग्री ला दूँ, यहाँ पर मैं 30 डिग्री यहाँ पर ला दूँ 0.5 0.5, तो साइन आई 30 डिग्री हो जाएगा। अब वहाँ 30 होगा तो ये भी 30 होगा, अब 60 में 30 को माइनस करेंगे भी 30 हो जाएगा, तब यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, 1/2 लिख दोगे आप, उसके बाद निकालना बहुत आसान हो जाएगा, तो ऐसा निकाला जा सकता है। ओके, आप समझ गए होगे, इतना लेक्चर से आप समझ गए होगे कि इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं है, वैल्यूज इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस, और आपको क्वेश्चन के हेल्प से प्रोसेस समझना है, यदि आपका ब्रॉड सेंस है तो। और आप सोचोगे कि इसी क्वेश्चन को बनाना है तो बहुत छोटा सोच, इसी क्वेश्चन को नहीं बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन बनाना है। और नीट और आईआईटी के जब प्रिपरेशन आप इंडिया का प्रिपरेशन आप करोगे तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न पकड़ने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन ऐसे ही, इसमें एक तो स्टेटमेंट भी बहुत लेंदी बहुत बड़ा होता है इसका स्टेटमेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा स्पर्श दर्शन का निकट बिंदु नेत्र के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम लिस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। लिस्ट डिस्टेंस मतलब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर है। नेत्र का स्वच्छ मंडल कार्निया, इतना हिंदी ट्रांसलेशन है एनसीईआरटी बुक में, अभी यहाँ पर बता रहा हूँ इंग्लिश में। नेत्र का स्वच्छ मंडल लगभग 40 डायोप्टर है, 40 डायोप्टर मतलब उसका पावर, ये स्वच्छ मंडल मतलब उसका पावर जो होता है वो 40 डायोप्टर है, कि अभिसारण क्षमता प्रदान करता है तथा स्वच्छ मंडल के पीछे नेत्र लेंस की अल्पतम अभिसरण क्षमता लगभग 20 है, 20 डिग्री है मिनिमम उसका पावर। स्थूल आंकड़े से सामान्य नेत्र के परास की अभिसरण क्षमता का परिसर का अनुमान लगाइए, इतना कठिन हिंदी है उसका कि पूछो मत, एक्चुअल में ट्रांसलेशन है, एग्जैक्ट इंग्लिश उसका प्रॉपर है। फार ए नॉर्मल आई द फार पॉइंट्स इज एट इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ आई द कार्निया ऑफ द आई प्रोवाइड्स ए स्वच्छ मंडल प्रोवाइड्स एज ए कन्वर्जिंग पावर अबाउट 40 डायोप्टर्स एंड द लिस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेस बिहाइंड द कार्निया इज 20 डायोप्टर। फ्रॉम दिस रफ डेटा एस्टिमेट द रेंज ऑफ एकोमोडेशन दैट इज द रेंज ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस ऑफ ए नॉर्मल आई। एक बार आप ध्यान से इसके स्टेटमेंट को समझो, एक बार ध्यान से इसके स्टेटमेंट को समझो पढ़ो, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं पहले गिवन कि गिवन क्या क्या है आपको। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज में सॉल्व करूंगा। कार्निया का पावर P1, कार्निया का पावर दिया है P1 जिसको हमने सपोज कर लिया वो है 50 डायोप्टर। उसके बाद जो लेंस है आँख में जो लेंस है उसका पावर को बोलता है मिनिमम डिस्टेंस पर ये है 20 डायोप्टर। देयरफॉर हमको मालूम है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो टोटल पावर का फार्मूला होता है P=P1+P2 दैट इक्वल 40+20 इक्वल टू हो जाएगा 60 डायोप्टर। आ गया समझ में, कार्निया का और आई का, आई लेंस का जो लगा हुआ है दोनों का जो पावर है दोनों सीरीज में होते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा P=P1+P2 60 डायोप्टर हो गया। क्लियर यहां तक? अब यहां पर देखो हमको इसको फोकस दूरी फाइंड करना है, फोकस दूरी फाइंड करना है तो फोकस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फोकस इक्वल टू होता है 100। ठीक है, एक मिनट, पावर का फार्मूला बता रहा हूं मैं पहले आपको। पावर इक्वल टू होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर cm, सेंटीमीटर में होता है। तो यहां से यदि हम क्या करना है, पावर फोकस निकालना है तो फोकस इन सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन पावर।
दैट इक्वल टू हमको यहाँ पर पता है 100 और पावर हमने निकाला है क्या 60। तो 100 में 60 को डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 60, इसको अभी अपन डेसिमल फॉर्म में ना लिख कैसे लिख देते हैं, तो ये और 2 5 और 2 3 5/3 हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया इसका फोकल लेंथ कंबाइन होने पर आपका फोकल लेंथ। इसके बाद बोलता है कि इसका जो लिस्ट डिस्टेंस है ये है 25 सेंटीमीटर। लिस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो आगे वो वी बन जाता है, ठीक है। तो सिंस अपने को पता है कि न्यूनतम उसका इमेज वी पर बनना चाहिए, तो वी इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस तक के ही इमेज को हम हमारे आँख की जो क्षमता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक देखने की है। तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 25 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है अपने को, क्या गिवन है क्वेश्चन में, और एफ इक्वल टू 5/3 सेंटीमीटर निकला। क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखो एक बार, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा स्पष्ट दर्शन का निकट बिंदु नेत्र के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर पर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखना है, नेत्र का स्वच्छ मंडल 40 डायोप्टर अभिसरण क्षमता इतना करता है तथा स्वच्छ मंडल के पीछे नेत्र की अल्पतन अभिसरण क्षमता 20, ठीक। इस स्थूल आंकड़े से सामान्य नेत्र के परास अर्थात नेत्र लेंस की अभिसरण क्षमता का अनुमान लगाइए। अनुमान लगाना है उसका मतलब फ्रॉम दिस रफ डेटा, ये रफ डेटा है, इस्टीमेट द रेंज ऑफ एकोमोडेशन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेंज ऑफ एकोमोडेशन क्या होना चाहिए, दैट मीन्स सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा उसका फोकल लेंथ। स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फॉर ए नॉर्मल आई द फार डिस्टेंस इज एट इन्फिनिटी एंड ए नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, तो इस कंडीशन में फिर यह सामने वस्तु को यहाँ पर रखो बोल रहा है। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, लिस्ट डिस्टेंस में हो उस कंडीशन में, और उसका पावर इतना है कंबाइंड होने के पावर बोल दे रहा है। स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेटिना और आई का जो कंबाइंड पावर है वो 60 डायोप्टर हो गया। अब बोलता है कि यहाँ पर यदि कंबाइंड रूप से हमको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना है 25 सेंटीमीटर पर, तो किस रेंज में, अनुमान लगाइए बोल रहा है कि किस रेंज में उसका पावर होना चाहिए। जैसे आई का पावर अभी क्या है, 20 डायोप्टर है, आई का पावर यहाँ पर 20 डायोप्टर है, तो बोलता है किस रेंज पर उसको रखें कि ऑब्जेक्ट यदि लिस्ट डिस्टेंस पर हो तो उसको वो ठीक से देख सके, ऐसा मतलब है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फोकल लेंथ है, यदि वहाँ पर ऑब्जेक्ट यदि वहाँ पर इमेज बने, मतलब फोकल लेंथ पर भी हम इमेज को बनाएं, सपोज फाइनल इमेज को हम कहाँ पर बनाएं, एफ इक्वल टू यू इक्वल टू 5/3 सेंटीमीटर पर लगाएं। मान लो हम सॉरी फाइनल इमेज ना, ये फाइनल इमेज को हम कहाँ पर बना दें, वी पर बनाएं, जो कि फोकल लेंथ है। ये कब फोकल लेंथ है, जब 40 और 20 कंबाइंड होके उसका फोकल लेंथ निकालते हैं तो वो है 5/3 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि लिस्ट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, तो इमेज क्या है, फोकस पर बनना चाहिए। तो उस कंडीशन में उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम फार्मूला लगा दें 1/f का इस कंडीशन में, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ यूज़ करें, तो देयरफॉर 1/v। अब कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि यदि इमेज को हम कहाँ पर बनाएं, फोकस पर बनाएं, तो लेंथ लेंस का पावर कितना होना चाहिए, तो पावर निकालने के लिए उसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ यूज़ करें, तो हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5 और ये माइनस माइनस प्लस 1/25। देयरफॉर इसको सॉल्व करें तो 1/f इक्वल टू यहाँ पर 25 LCM आएगा, तो 5 3 जा ये हो जाएगा 15 प्लस 1
मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर 1/f = 16/25 16/25 ये 1/f हो जाएगा। अब हमको निकालना है इसका पावर, इसका हमको पावर निकालना है, ठीक है। इस कंडीशन में पावर कितना होगा, देयरफॉर पावर इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर, दैट इक्वल टू 100/f का वैल्यू ये निकला है, ठीक है। 1/f का वैल्यू सीधा 16/25 फोरजा, ठीक है, ये हो जाएगा 64। ये पावर इसका आ गया कितना, 64 पावर आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पावर जो होगा, रिक्वायर्ड पावर होगा 60 पहले बोला था, ये 64 हुआ, मतलब 64 के रेंज में उसको होना चाहिए, ठीक है, 64 के रेंज में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो P1 + P2 60 है, अब हमने निकाल लिया P1 + P2 को 64, तो यहाँ पर जो लेंस का मतलब स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी कंबाइंड पावर 60 था शुरुआत में, लेकिन सेकंड कंडीशन में कंबाइंड पावर कितना आ गया, 64 आ गया, तब ये क्या होना चाहिए, तब उस कंडीशन में जो 20 था लेंस का जो क्षमता था वो 20 डायोप्टर था, तो अब इस कंडीशन में कितना होना चाहिए, तो देयरफॉर लेंस का जो क्षमता है वो होना चाहिए 64 और माइनस 40, तो किसका था, 40 तो ऑलरेडी कार्निया का था, 40 कार्निया का पावर है, तो यहाँ पर इसको कर देंगे तो 24 डायोप्टर होना चाहिए। तो लगभग 24 डायोप्टर का यदि आई का पावर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज जो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा कथन को समझो। सामान्य नेत्र के लिए मतलब वो कॉमन आई है, अभी दूरबिंदु अनंत पर तथा दूरबिंदु अनंत पर है, मतलब जो फार डिस्टेंस वो इन्फिनिटी पर है। स्पर्श दर्शन का निकट बिंदु नेत्र के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर पर है। नेत्र का स्वच्छ मंडल मतलब कार्निया लगभग 40 डायोप्टर की अभिसरण क्षमता प्रदान करता है, उसका जो कार्निया है वो 40 डायोप्टर का को देख सकता है, तथा स्वच्छ मंडल के पीछे नेत्र लेंस की अल्पतम अभिसरण क्षमता 20 डायोप्टर होती है स्वच्छ मंडल के लिए, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर बोला, देखो इंग्लिश में समझ में आएगा आपको, द कार्निया ऑफ द आई प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर अप फ्रंट द पावर ऑफ द अबाउट 40 डायोप्टर्स एंड द लिस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिहाइंड द कार्निया इज 20 डायोप्टर, क्लियर, लिस्ट डिस्टेंस में। फ्रॉम दिस रफ डेटा, अब उस 20 इसको क्या है, 20 को रफ डेटा मान लो बोलता है, इस्टीमेट द रेंज ऑफ द एकोमोडेशन, मतलब उसका रेंज क्या हो सकता है, मतलब उसका पावर कितना होना चाहिए कि वो क्या है उसको स्पष्ट देख सके, तो बोलता है द रेंज ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कितना, 24 डायोप्टर के रेंज में क्या है वो चीज़ों को ढंग से देख सकेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लोगे। ये 5/3 क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ है, ये कंबाइंड है क्योंकि हमने 60 यूज किया है। अब ये कंबाइंड दोनों मिला के जो फोकल लेंथ बनेगा, उस फोकल लेंथ पर यदि इमेज बने, यदि वहाँ पर प्रतिबिंब बने, तब उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए आई का, तब फोकल लेंथ 60/25 होना चाहिए, और उस समय उसका पावर क्या होना चाहिए, तो टोटल पावर क्या हो गया 64। तो आई का पावर कितना होना चाहिए, 64 माइनस कार्निया का पावर, ये 24 डायोप्टर होना चाहिए, क्लियर। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना, 24 डायोप्टर इसका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ह्यूमन आई पर है। एक तो ह्यूमन आई का क्या है, सिलेबस से बहुत दिन से हट गया है, ह्यूमन आई का जो टॉपिक है वो बहुत दिन से हट गया है, सिलेबस पर है नहीं वो मानव नेत्र, लेकिन अब NCERT न्यूमेरिकल्स पर है। मैं ये सारे क्वेश्चन स्किप कर दूं तो आपको भी लगेगा इतने सारे क्वेश्चन तो सर हटा दिए, एक बार समझ लो इनको कहीं काम आ सकता है। लेकिन ह्यूमन आई CBSE के और स्टेट बोर्ड के सभी से हट, एक आध दो बोर्ड में है मेरे ख्याल से, एक आध स्टेट दो बोर्ड में है, देख लेना, मैं तो करा देता हूँ। असल में ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में काउंट हो जाता है। ये मैं एक बार सोचा
कि ये सब न्यूमेरिकल को मत कराऊं क्या। फिर मैं बोला चलो किसी का यूज़ का होगा तो कर लेगा, बाकी ध्यान रखना एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के समय। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूरदृष्टि के लिए माइनस वन डायोप्टर क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है, अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए उसे अलग से 2 डायोप्टर क्षमता के चश्मे की आवश्यकता होगी, स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ। ए मायोपिया पर्सन हैज़ बीन यूजिंग स्पेक्टर्स ऑफ पावर माइनस वन डायोप्टर फॉर डिस्टेंट विजन ड्यूरिंग ओल्ड एज, ही आल्सो नीड्स टू यूज सेपरेट रीडिंग ग्लास ऑफ पावर 2 डायोप्टर। एक्सप्लेन व्हाट मे हैव हैपेंड। तो 2 डायोप्टर क्षमता के चश्मे की आवश्यकता होगी, स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ। स्पष्ट करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों जरूरत पड़ा करके। स्टेटमेंट देखो, पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते थे जब सिलेबस में ह्यूमन आई था, इतने का चश्मा उसको डॉक्टर लगा दिया तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, आप एक बार उसको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति यू दिया है -25 सेंटीमीटर, ठीक है, वो तो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी रहेगा ही। गिवन को लिख देता हूं मैं सबसे पहले, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना। पावर दिया -1 डायोप्टर, पावर दिया देखो अभी वो यूज़ कर रहा है -1 डायोप्टर का, मतलब उसका फोकल लेंथ, फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, उस कंडीशन में जो फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा 100/1, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, माइनस वो तो कॉनकेव लेंस को शो करेगा। ये एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। देखो मतलब अभी जब वो डॉक्टर को नहीं बताया था समझ लो, तो 1 डायोप्टर का चश्मा उपयोग कर रहा था, दैट मीन्स वो क्या है 100 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ का वो यूज़ कर रहा था, लेकिन लिस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का वो ठीक से देख सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम है। अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से रीडिंग लेंस का जरूरत पड़ा, तो उसके लिए जो फोकल लेंथ उसको जरूरत पड़ा, F2 कहना चाहिए, इसको मैंने F1 कह दिया, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/2, अब उसको 2 डायोप्टर की जरूरत पड़ रहा है, मतलब किसका जरूरत पड़ रहा है 50 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ रहा है। जब डॉक्टर ने उसको 2 डायोप्टर का लेंस लगा दिया, दैट मीन्स उसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर देखें कि उसका लिस्ट डिस्टेंस कितने में चला जाना चाहिए, तो उसका लिस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/F = 1/V - 1/U, तो 1/F मतलब F/F2 है ये, तो 1/50 हो जाएगा = 1/V निकालना है, और प्लस ये 1/25 हो जाएगा क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस अपन यूज़ करेंगे, therefore 1/V = 1/50 - 1/25, इसको सॉल्व करें अपन तो 1/V = LCM आ जाएगा 50। LCM आ जाएगा 50, तो हो जाएगा 1 - 2, therefore V = -50 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर है, देखो कि इमेज कहाँ बनना चाहिए 50 सेंटीमीटर में बनना चाहिए, तो अब क्या है उसको क्लियर देख सकेगा, क्योंकि पहले कंडीशन में 100 सेंटीमीटर पर लिस्ट डिस्टेंस जब 25 हो तो 100 सेंटीमीटर पर देख सकता है, 2 डायोप्टर का उसको चश्मा लगाने के बाद उसका जो विज़न है वो 50 सेंटीमीटर तक वो
क्लियर देख सकता है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि टू डायोप्टर चश्मे की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब वो 50 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। ये न्यूमेरिकल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस आपको निकाल के बता देना है कि 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ये भी उसी पर बेस्ड है, ह्यूमन आई पर। अच्छा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी उसी को कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। कोई सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का व्यक्ति छोटे अक्षरों में छपी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले उत्तल लेंस के आवर्धक लेंस का उपयोग करके पढ़ता है वह निकटतम तथा अधिकतम दूरी अज्ञात कीजिए जहाँ वह पुस्तक को आवर्धक लेंस द्वारा पढ़ सकता है, मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा। उपरोक्त सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग द्वारा संभावित अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी आवर्धन क्षमता क्या है, यह भी बताना है। ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड ए बुक विथ ए स्मॉल पॉइंट्स यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारसेस्ट, ठीक है, फारसेस्ट डिस्टेंस एट विच ही शुड कीप द लेंस फ्रॉम द पेज सो दैट ही कैन रीड द बुक। वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 25 सेंटीमीटर तो उसका लिस्ट डिस्टेंस है। अब वो क्या रखा है, रीडिंग लेंस रखा है, चश्मा वगैरह लगा। ये ह्यूमन आई का क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन भी कर सकते हो। एक रीडिंग लेंस लगा है, उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब उसे उसको ऐसे ऐसे करके पढ़ता है वो, मतलब कभी दूर करता है कभी पास करता है। तो क्वेश्चन में ही पूछा है कि वह निकटतम तथा अधिकतम दूरी क्या जहाँ तक पुस्तक को आवर्धन लेंस द्वारा पढ़ सके, वह मिनिमम डिस्टेंस। थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, कभी कभी हम लोग लेंस के हेल्प से छोटे छोटे राइटिंग को ऐसा ऐसा देखते हैं, उसको रीडिंग लेंस बोला जाता है। तो एक रीडिंग लेंस रखा है, अब उस रीडिंग लेंस से कितना नज़दीक तक और कितना दूर तक वो पढ़ सकता है, ये चीज़ हमको जानना है। ठीक है, स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ो आप क्वेश्चन का। 25 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस पर है, निकट दूरी और अधिकतम दूरी पूछा है वो। ए 5 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में हमको गिवन है F इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और U दिया है लीस्ट डिस्टेंस। वो एक्चुअल में U लीस्ट डिस्टेंस है जो 25 सेंटीमीटर है, और यही क्या हो जाएगा V, क्योंकि वहीं तक हम इमेज को बनाएंगे, तो माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जो स्पष्ट दृष्टि की, इसको मैं मिटा दूँ अदरवाइज आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैंने यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी को समझना, जैसे मान लो मैं खुले नेत्र से किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो इमेज कितना दूर में होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर में, तभी उसको देख पाऊँगा, क्योंकि वो क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, लिस्ट डिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में यू को क्या होना चाहिए, मिनिमम यू को। तो पहले कंडीशन के लिए हम कैलकुलेशन करें, तो 1/F = 1/V - 1/U से कैलकुलेट करें, तो दैट इंप्लाइज 1/5। ये 1/5 इक्वल टू इसका वैल्यू है, पुट करेंगे 1/-25 - 1/U। ये पहले कंडीशन के लिए, तो हम इसको U1 कर लेते हैं। ठीक है, दैट इंप्लाइज 1/U1, यहाँ से हम काउंट करें तो ये हो जाएगा -1/25 - 1/5। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1/U1 इक्वल टू यहाँ से 25 LCM आएगा, तो -1 और -5। क्लियर, देयरफॉर ये हो जाएगा 1/U1 = -6/25, देयरफॉर U1 = -25/6, देयरफॉर U1 = 25 में 6 डिवाइड करो, 25 / 6 -4.2 सेंटीमीटर, ये आ गया निकटतम कंडीशन पर।
ठीक है। तो पहला कंडीशन जो बोला है कि वह निकटतम तथा अधिकतम दूरियां, तो हम अधिकतम दूरी निकाल लें। फिर अधिकतम दूरी के लिए मान लो अपन, अब अधिकतम दूरी क्या हो सकता है, न्यूनतम दूरी मतलब तो लिस्ट डिस्टेंस में बन जाएगा, और अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस इमेज कहाँ बन जाए, इन्फिनिटी में बन जाए। तो सेकंड कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ तो वही रहेगा, फोकल लेंथ फाइव ही रहेगा। देयरफॉर इस फार्मूला को हम दोबारा यूज कर दें तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/∞ हो गया, और माइनस 1/, इसको मैंने कह दिया u2, क्लियर। तो सीधा u2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पर, ये तो जीरो हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो अपने को डिस्टेंस मिला, एक डिस्टेंस मिला पहले न्यूनतम कंडीशन के लिए तो ये -4.2 सेंटीमीटर, और अधिकतम के लिए क्या मिला 5 सेंटीमीटर। तो उसको -4.2 सेंटीमीटर मिनिमम जब पढ़ेगा तो, या अधिकतम 5 सेंटीमीटर में रखेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के बाद उसका इमेज इन्फिनिटी में बन जाएगा, तो उसको कहाँ देख पाएगा वो, माने जब रीडिंग लेंस को जब वो यूज़ करेगा तो उसको 5 और 4.2 डिस्टेंस पर उसको रखना चाहिए, क्लियर। ये इसका पहला आंसर है, आया क्वेश्चन समझ में ना, क्लियर है ना क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिकली समझो। जो शुरू में आपको बताया कि मैं रीडिंग लेंस रखा हूँ पढ़ना चाहता हूँ, तो उसी को पूछ रहा है कि न्यूनतम कितना दूरी में रखूँ आँख से, अधिकतम कितना, तो मिनिमम उसको रखना चाहिए मेरे को 4.2 सेंटीमीटर पर, माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है, और मैक्सिमम उसको 5 सेंटीमीटर पर। उससे मैं ज़्यादा रखा तो राइटिंग मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी में बन जाएगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बोलता है अधिकतम कोणीय आवर्धन, सेकंड में बोला है उपरोक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग द्वारा समाज अधिकतम तथा न्यूनतम कोणीय आवर्धन। अच्छा, इसका आवर्धन अपने को पूछना है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला फिर क्या हो जाता है, एम इक्वल टू डी अपॉन यू। बी का आंसर एम इक्वल टू डी अपॉन यू, जहां पर डी क्या होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25, ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर इसका आंसर आया है यू का वैल्यू, ये यू जो निकाले हैं अपन 25/6, ये हो जाएगा 25/6, ओके, ये हो गया 25 × 6/25, दैट मीन्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा 6, इसका यूनिट नहीं होता, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। सेकंड पूछा है अधिकतम दूरी पर न्यूनतम कोणीय आवेदन, ये तो मिनिमम डिस्टेंस पर हो गया पहला, और दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर m निकालेंगे तो m इक्वल टू डी का वैल्यू तो इतना ही होगा, और ये हमारा u जो निकला है, u पहले कंडीशन में u कितना निकला है, सेकंड कंडीशन में सॉरी, ये 5 निकला है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 6 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, उसका जो मैग्नीफाइंग है वो 6 और 5 होना चाहिए। पहले कंडीशन में हमने मिनिमम के लिए निकाला, और दूसरे कंडीशन में किसके लिए निकाला, हमने मैक्सिमम के लिए निकाला, मतलब d अपॉन u, फार्मूला फॉर्म में इसको लिखना चाहिए, तो मैं इसको u1 लिख देता हूँ, और ये u2 का वैल्यू है, ठीक है, अब वो समझ गए हो आप, यहाँ पर ये u2 का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और u1 का वैल्यू है 25/6। तो यहाँ पर हमने 25/6 का वैल्यू किया पहले कंडीशन में आवर्धन निकालने के लिए, और दूसरे कंडीशन में आवर्धन निकालने के लिए हमने 5 डिवाइड किया, तो ये 5 हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का हमारा, न्यूमेरिकल्स लेंदी हैं, रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें 30-40% क्वेश्चन ही ठीक है, बाकी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन करना है, बताना है आपको, करके उसको बता रहा हूँ मैं, और करना भी चाहिए क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा माइंड ओपन होता है इस क्वेश्चन से। मुझे अपने कलेक्शन से न्यूमेरिकल्स जब कराना होगा तो मैं अलग ढंग से कराऊंगा, अभी तो मैं एनसीईआरटी पर ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन है हमारा, कोई कार्ड शीट जिसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई कार्ड शीट जिसे 1 mm स्क्वायर साइड के वर्गों में विभाजित किया गया है को 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसरण लेंस, ठीक है, द्वारा उसके नेत्र के निकट रखकर उसे देखा जाता है।
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, अभिसारी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, लेंस का कोणीय आवर्धन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या ए में आवर्धन क्षमता बी में आवर्धन क्षमता के बराबर है? क्वेश्चन को आप समझ लो पहले। 1 mm² साइज का वर्ग में विभाजित कर, मतलब एक कार्ड सीट है, यहाँ पर देखो ऐसा कार्ड सीट है, और ये कार्ड सीट को क्या कर रहे हैं अपन, इस तरह से विभाजित कर रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में, और जिसका एक सीट का जो साइज है वो 1 mm² है, ऐसा हम उसको विभाजित करके देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, ठीक है, मतलब उसका मैग्नीफाइंग क्या है, अभिसारी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जब वो मैग्नीफाइंग हो जाएगा, जब उसको लेंस से देखेंगे तो जब बड़ा हो जाएगा तो ये जो छोटा सा वर्ग है जो 1 mm² के फॉर्म में हमको दिख रहा है खुले आँख से, वो लेंस के हेल्प से कितना बड़ा दिखेगा। बाकी दो पार्ट इसके आसान क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिख लें सॉल्यूशन में, वो स्क्वायर कटिंग स्क्वायर को हमको देखना है इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, ये 9 cm फोकस नहीं होगा, इसको सुधार लेना, ये 10 cm होगा, ये क्वेश्चन 10 cm होगा, 9 में गलत दिया है इसको बुक में, या गलत टाइपिंग में हो गया है। एफ 10 cm, लेंस वस्तु की दूरी 9 cm, 9 cm होगा तो यह 10 ही होगा। एफ इक्वल टू 10 cm, यू इक्वल टू 9 cm, बाद में चिन्ह सहित उसको पुट कर लेंगे। और क्वेश्चन में गिवन है वस्तु का साइज 1 mm², ठीक है, 1 mm² है। तो सबसे पहले निकाल लें अपन उसका वी, चूंकि 1/F = 1/V - 1/U, दैट इम्प्लाइज 1/F 10 दिया है, 1/V निकाल लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/9, तो देयरफॉर 1/V = 1/10 - 1/9, क्लियर। देयरफॉर 1/V = यहाँ 10 LCM आएगा, तो 10 - 1 - 9 ये हो जाएगा, LCM 90 आएगा, सॉरी 10 कैसे आएगा, LCM आएगा 90, तो 9 - 10, देयरफॉर V = हो जाएगा ये -1/90, ये हो जाएगा -90, ओके। तो V -90 हो जाएगा यहाँ पर। और क्या पूछा है, आवर्धन क्षमता, तो V/U होता है, देयरफॉर M = V/U, तो V है 90 और U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, U 9, ये हो जाएगा 10। तो मैग्नीफाइंग पावर इसका कितना हो जाएगा, 10 मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। अब हमको मालूम है, ये क्वेश्चन अच्छा है, चूंकि हमको पता है M = होता है V/U = I/O, ये भी होता है, दैट इम्प्लाइज हमने V/U वो निकाल लिया 10, तो हो जाएगा 10 = I/O, देयरफॉर I = हो जाएगा 10 × ये 0 नहीं है, ध्यान रखना ना, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, 10 के साथ 0 होगा तो इसको पास 0 मत समझ लेना, ओ है ये ओ है, नहीं तो फिर पूरा 0 कर दिए धोखे से, ओ फॉर ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इक्वल टू ये हो गया 10 × लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज 1 है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ गिवन में 1 mm², मतलब वो स्क्वायर है, लेंथ भी 1 है और विड्थ भी m है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 1, तो दैट इक्वल टू हो गया 10। देयरफॉर उसका एरिया करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 100 mm², क्योंकि लंबाई 10 है तो चौड़ाई भी 10 होगा, तो 100 mm² होगा। इस तरह से हम उसको इसको हम लोग 100 mm² के रूप में देख सकेंगे मैग्नीफाइंग कंडीशन में, ओके। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन का क्या पूछा है, इस उदाहरण में ये कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट, इस क्वेश्चन की बात हो रही ना, लेंस का कोणीय आवर्धन क्या है, कोणीय आवर्धन भी पूछा है, D/U होता है 25/9, कोणीय आवर्धन
कुछ नहीं, सेकंड कंडीशन में कोणीय आवर्धन m इक्वल टू डी अपान यू होता है, वही आवर्धन ही है। तो d 25 और u 9, 25 में 9 डिवाइड कर लेना, 25 में 9 डिवाइड करें तो आ जाता है 2.8, ये 2.8 हो जाएगा, वही है उसके साथ में आवर्धन, ठीक है। और आवर्धन क्षमता एक्चुअल में मैग्नीफाइंग पावर है वो। और नेक्स्ट पूछा है, क्या पूछता है, क्या इस प्रक्रम में आवर्धन आवर्धन क्षमता के बराबर है? तो नहीं है, क्यों? क्योंकि आवर्धन क्षमता कितना है, 10 है, और कोणीय आवर्धन है 2.8। तो सीधा आंसर में क्या लिखो, नो, नहीं है। मैं दोनों बराबर है क्या बोल रहा है, ये वाला आवर्धन और ये वाला आवर्धन क्षमता बराबर है क्या? तो नहीं है, क्योंकि ये 10 है और वो कितना है, 2.8 है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 10 mm² इसका एरिया को वो देख पाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं आज के, और ये क्वेश्चन आप देख लो, प्रोसेस समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कैलकुलेशन तो एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के सब लेंदी कैलकुलेशन है। कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल्स और इसमें बचे हैं 4-5, उसमें से कुछ सेलेक्टेड और अच्छे न्यूमेरिकल्स को मैं एक क्लास और लेकर कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद वेब ऑप्टिक्स का अपने को करना है, वेब ऑप्टिक्स के बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो मेजर पोर्शन हो चुका है आपका, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो सब कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, मतलब 12th क्लास में न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाद में जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा जो NCERT पर बेस्ड नहीं होगा, वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन, वो मैं अपना कलेक्शन दूंगा। अभी मैं NCERT में जो है वो करा रहा हूँ, ओके। तो इतना क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिए, और बाकी का 4th पार्ट में इसके बचे क्वेश्चन को करता हूँ मैं, ओके, थैंक यू।